हाय दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और क्लिक कीजिए बेल बटन को ताकि अपडेट्स पहले आपको मिले, बिल्कुल फ्री है। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे, हैप्पी होंगे और टेंशन फ्री होंगे। आप सबका फिर स्वागत है मेरे चैनल पर। सही सबको फिशेज के बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो चलिए आज एक नए टॉपिक के साथ हम वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि हर एक नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ मैं आपके पास आता रहता हूँ, तो आज का एक नया टॉपिक है। तो आज हम बात करेंगे गार्स के बारे में, कि एलिगेटर गार्स। देखिए, एलिगेटर गार्स जो है ये एक स्पेसीज है जो आप नॉर्मल एक नए एक्वेरिस्ट नहीं रख सकते, जो एक्सपीरियंस एक्वेरिस्ट है वही रख सकते हैं, क्योंकि फिशेस जो ये एलिगेटर गार्स जो है 10 फीट तक बड़ी हो जाती हैं। जैसा कि छोटे एक्वेरियम में जो है छोटे गार्स ज़्यादा रखे जाते हैं, जैसा नीडलनोस गार्स है या फ्लोरिडा गार्स है, ये गार्स जो है ज़्यादातर रखे जाते हैं एक्वेरियम में। लेकिन इसके लिए आप रख रहे हैं तो एक अलग सी रिक्वायरमेंट है, एक स्पेशल रिक्वायरमेंट है जिसके बड़े करने में ज़रूरत है, जिसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। ग्रोथ जो है बॉडी में बहुत लॉन्ग रहते हैं और सिमिलर टू, और इनकी बॉडी जो बहुत हेवी रहती है और वह स्ट्रॉन्ग रहती है। ये बिलोंग करती हैं नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका से, और इसका कलर जो है ग्रे कलर में, ब्लॉक कलर में शेड्स में रहते हैं। और उसका मेंटेनेंस, जैसा मैंने कहा कि गार जो है बहुत लार्ज ग्रोविंग स्पीसीज हैं, इसलिए आपको ज़रूरी है कि बड़ी टैंक में रखें। अगर आप बड़ी टैंक नहीं है तो इसके रखने का प्लान ना करें, और इसको आप पॉन्ड्स में नहीं रख सकते, बाहर या नाले बनाकर नहीं रख सकते, बल्कि एक एक्वेरियम, क्लीन एक्वेरियम में ही रखना पड़ेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप बड़ा गैलन रखें जो एटलीस्ट 100 गैलन या 50 गैलन के बराबर हो, उसमें रखें, छोटे में ना रखें, क्योंकि ये बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं और ये बहुत ही एक्सट्रीम हार्डली स्पेसिस हैं। और आप फिशेस के साथ इसको रख सकते हैं, और इसके लिए वाटर कंडीशन का रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव है वाटर के लिए। अगर वाटर थोड़ा भी ख़राब हो जाए पानी, तो फिशेस जो है सिक हो जाती हैं। ये एलिगेटर गार्स जो है बहुत जल्दी सिक हो जाती हैं, तो इनकी ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी है कि आप प्रॉपर इसका मेंटेनेंस करें। और ये नेचुरल जो वाइल्ड में जीते हैं वहाँ छुपना पसंद करते हैं, हाइडिंग प्लेस रहना पसंद करते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप टैंक में रख रहे हैं तो हाइडिंग प्लेस ज़रूर रखें इसके लिए, क्योंकि ये जब शही, ज़्यादातर शही भी हैं या जब सिक या स्ट्रेस होती हैं तो हाइड होकर अपने आप को हील करते हैं। अगर आप हाइडिंग प्लेस नहीं रखेंगे तो ये गार्स जो है अग्रेसिव हो जाएंगे दूसरों के ऊपर और अटैक कर सकते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि मस्ट आप हाइडिंग प्लेस ज़रूर रखें। और ज़्यादातर गार्स जो है ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, 3 से 6 ग्रुप में रखें। अगर सिंगल रखेंगे तो आप ये हैप्पी नहीं रहेंगी और ज़्यादातर ग्रो नहीं होंगी, इसलिए ज़रूरी है कि आप ग्रुप में रखें, 3 से 6 में रखें और हेडिंग प्लेस ज़रूर दें। और इसके मीटी डेट होने की वजह से गार्स जो है बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, एलिगेटर गार्स या कोई भी गार्स हो, इसलिए ज़रूरी है कि आप वाटर जो है एवरी वीक 30% या 25% वीक चेंज करते रहें। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप वाटर कंडीशन भी हफ्ते में एक बार यूज़ करते रहें और अच्छा फिल्ट्रेशन यूज़ करें, ताकि पानी क्लीन रहे और गार्स की हेल्थ के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये बहुत जल्दी सेंसिटिव है वाटर कंडीशन के लिए। और फीडिंग गार्स, जैसा कि ये फीडिंग गार्स जो है पिकी गार्स हैं, या आप इसको लाइव फूड भी डाल सकते हैं, जैसा कि लाइव फिश है, फीडर फिश है, मिनियस फिश है, श्रिम्स डाल सकते हैं, और गार्स को आप फ्रोज़न फिश भी डाल सकते हैं और पैलेट भी डाल सकते हैं, वेराइटी फूड्स भी आप इसको फीड कर सकते हैं। और गार्स जो है फ्रेश वाटर में भी आप रख सकते हैं, ब्रैकिश वाटर में भी रख सकते हैं, साल्ट वाटर में भी इसको रख सकते हैं, और इसका टेम्पटेशन जो है अग्रेसिव है। अगर आप प्रॉपर हेडिंग प्लेस देंगे तो दूसरों के ऊपर अग्रेसिव नहीं होंगी, और ज़्यादातर बॉटम स्विमर है, और आप इसको रख सकते हैं ऑस्कर फिश के साथ या पकाओ नाइक फिश इसके साथ रख सकते हैं, और जैन गोरामी ऐसे बड़े बड़े फिशेस के साथ रख सकते हैं, छोटे फिशेस के साथ ना रखें, जैसा कि गोल्ड फिश है, मोलिस है, इसके साथ रखेंगे ये जो है गार्स उस फिशेस को खा जाएंगी। और ये एक्सपर्ट इन जंपर्स हैं, बहुत जंप भी करते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप प्रॉपर आपका टैंक का क्या आप सही रखें, और ये बिगिनर्स के लिए सही नहीं है, एक्सपीरियंस पर्सन है तभी इसको रखें। और गार्स जो है आउट ऑफ वाटर बहुत लॉन्ग तक, क्योंकि इनके गिल्स जो हैं इनके अलग सिस्टम है, इनके अंदर नेचुरली जो अपने आप में एयर को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर स्टोर करते हैं, जिसकी वजह से पानी के बाहर भी बहुत घंटों तक ये ज़िंदा रह सकते हैं। इसके लिए टेम्परेचर है 60 to 19 फ़ारेनहाइट, क्योंकि
ये वार्म वाटर में रहना रहती हैं नेचुरली में, इसलिए गर्म पानी में रहना पसंद करती हैं। जैसा कि 60 to 90 फ़ारेनहाइट यानी 24 to 30 तक यानी 31 तक भी आप इसका टेम्परेचर रख सकते हैं। और मिनिमम गैलन जो है 200 गैलन का रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये फास्ट स्विमर भी हैं और बहुत जल्दी भी बड़े हो जाते हैं, और ग्रुप में रखना अच्छा है इन फिश इन गार्स के लिए, इसलिए बड़ी टैंक में रखें। अगर आप ग्रुप में रख रहे हैं तो 400 गैलन का टैंक ज़रूरी है, और टैंक जो है बहुत डेकोरेटेड का होना ज़रूरी है, क्योंकि ये नेचुरल अता करता है इनके लिए। और हाइडिंग प्लेस का ज़रूर रखें, क्योंकि ये हाइडिंग रख जैसा मैंने पहले कहा था कि हाइडिंग होना बहुत पसंद करती हैं, इसलिए हाइडिंग प्लेस ज़रूर रखें, वरना फिशेस को अटैक कर सकती है अग्रेसिव होकर। और एक बात का ख़ास ख्याल रखें, ये बॉटम फीडर के साथ नहीं रह सकती, जैसा कि बॉटम फीडर फिश है या सक्कर फिश है या लोचस है, ऐसे फिशेस का ना रखें, क्योंकि दूसरों के साथ बॉटम सरफेस को यानी बॉटम जो है सबस्ट्रेट को दूसरों के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते। अगर बॉटम फीडर फिश है तो उसको ये फिशेस जो हैं खा जाती हैं, इसलिए गार्स को बॉटम फीडर फिश के साथ ना रखें। टाइप्स ऑफ गार्स, जो गार्स के बहुत से टाइप्स हैं, जैसा कि स्पॉटेड गार्स है, शॉर्ट नोस गार्स है, लॉन्ग नोस गार, एलिगेटर गार जो बहुत पॉपुलर है एक्वेरियम के लिए, ट्रॉपिकल गार, मनफरी और या कैबिन गार। ये जो है एक्वेरियम में आप रख रहे हैं तो 2 फीट से ज़्यादा बड़े नहीं होते, जब ये वाइल्ड में यानी नेचुरली आउटसाइड ऑफ नेचुरल में रहते हैं, वाइल्ड में रहते हैं तो 10 फीट तक बड़े होते हैं, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि एक्वेरियम में सिर्फ 2 से 3 फीट ही ये बड़े होते हैं। जैसा कि लॉन्ग नोस एलिगेटर गार जो है, ये फिशेस 2 से 3 फीट तक बड़े होते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप एक्वेरियम का साइज़ बढ़ा रहें और इसकी प्रॉपर केयर करें। और एक बात का ध्यान रखें, गार्स जो है कभी कभी अटैक भी कर सकती हैं, इसलिए हाथों अपने हाथ से इसको फुट फीड ना करें, जो पैलेट्स हैं कोई भी हो पानी में डाल दें, अपने हाथ को आप दिखाएंगे तो उसके ऊपर ये अटैक भी कर सकते हैं। ये क्योंकि सेमी अग्रेसिव है, इसलिए अग्रेसिव जब होते हैं जब आप इसको फ्रेटन करते हैं या कुछ शेक ज़्यादा होते हैं फ्रेटन हो जाती है, इसलिए हाथ से फीड ना करें। और जो अनईटन फूड है पानी के ऊपर से उसको निकाल दें, क्योंकि उसके बाद अनईटन फूड पानी को ख़राब कर सकता है, जिसकी वजह से फिशेज जो है स्ट्रेस हो सकती हैं। अगर ये गार्स जो है इनएक्टिव है या स्ट्रेस फील कर रही हैं, तो ज़रूरी है कि 30% या 50% वाटर चेंज करें, और पानी चेंज करके 1 टेबल स्पून पर 50 गैलन के हिसाब से एक्वेरियम साल्ट डालें। इससे क्या होता है, जो अगर सिक है स्ट्रेस हो करे तो इसको हील करने में साल्ट जो है मदद करता है। और जैसा मैंने कहा कि गुड फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए गुड फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल करें और प्रॉपर टेम्परेचर रखें और प्रॉपर इसको फीड करें। तो उम्मीद करता हूँ इसमें आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मालूम होगी गार्ड्स के बारे में। अगर आपके पास और ज़्यादा डिटेल्स मौजूद हैं आपके पास तो मेरे साथ शेयर कीजिए, और आप कमेंट्स में इसको मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल बटन प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं एक नया अपडेट वीडियो करूँ आप तक पहुँच जाए और आप उसको देखकर फ़ायदा हासिल कर सकें। तो चलिए इसी वीडियो के साथ अलविदा कहते हैं, फिर नए टॉपिक के साथ नए वीडियो के साथ हम अगली बार मिलेंगे। जब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल।